हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाग। मैं सुमन रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी हो रही है ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 10 बजे से। तो आज हो रही है ब्लॉग की स्टार्टिंग हल्द्वानी से। तो हम लोग आप कल आ चुके थे हल्द्वानी, तो अभी हम हल्द्वानी में हैं। तो अभी हो रही है बुआ के वहाँ पर से, बुआ के घर से ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो अब हम लोग हो गए हैं तैयार, तो नाश्ता भी कर लिया हम लोगों ने, सभी लोगों ने, और तैयार भी हो गए हैं। अब चलते हैं हम घर की ओर। तो यहाँ बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, बहुत अच्छी खिलखिलाती हुई धूप आ रखी है। यहाँ कोहरा है मतलब, तो धूप आ जा रही है, ये देख सकते हो आप लोग। तो बहुत अच्छी खिलखिलाती हुई धूप आ जा रही है। तो हम लोग सभी लोग हो गए हैं तैयार, तो अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ भी बहुत दिन हो चुके हैं और यहाँ भी गेहूँ उग चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं। अभी यहाँ गेहूँ और सरसों ये चीज़ की खेती हो रखी है, तो बड़े ही हो गए हैं, यहाँ भी बहुत बड़े हो गए हैं गेहूँ सरसों। और चलो टीका लगाते हैं और नीचे चलते हैं। तो हम लोगों ने टीका का भी लगा लिया सभी लोगों ने। तो अब चलते हैं गाड़ी के पास, गाड़ी यहीं पे नीचे पे ही पार्क है हमारे, बुआ के ही अंदर पे है बरामदे में। तो चलो यहीं पे गाड़ी भी है, तो अब बैठते हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी भी बाहर निकाल रहे हैं अंदर। तो ये है गाड़ी, तो यहाँ पे है एक आम का पेड़ बुआ का, और इसमें लगा रखे हैं प्याज। तो हम लोग चलने लगे हैं, सभी लोग बैठ गए गाड़ी में। तो चलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं भीमताल, भीमताल पे पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ है फूलों की नर्सरी, तो यहाँ पे आए हुए थे हम नर्सरी में भी। तो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, एक बार दिखा देती है। ये नर्सरी है यहाँ पे, तो गेंदे के फूल हैं, गेंदे के फूल भी हैं यहाँ पे। ये गेंदे के फूल खिले हुए हैं, और ये भी छोटे छोटे, ये छोटे वाले ये भी अच्छे लग रहे हैं फूल। और ये फूल भी हम जहाँ घूमने गए थे वहाँ थे बहुत सारे फूल ये वाले, हमारे घर में भी लगते हैं ये, ले जाते तो हैं, तो सूख जाते हैं, फूल भी नहीं आता है, सूख जाएंगे। तो गेंदे के फूल, एक ही गेंदे के फूल लग सकते हैं हमारे वहाँ, ये वाले फूल नहीं लग सकते हैं ये वाले, क्योंकि ले जाके सूख जा रहे हैं, ये ले जाते हैं तो सूख जाते हैं ये वाले फूल। तो गेंदे वाले तो नहीं सूखते हैं, वो तो हर जगह हो जाते हैं वो वाले फूल। वहाँ पे भी हैं फूल, इसमें तो पूरे सूखे हैं, पता नहीं क्या है, सूख चुके हैं ऊपर से, पे कटिंग कर रखी होगी या तो ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं फूल। तो यहाँ पूरे फूलों की नर्सरी है, इस साइड भी फूलों की नर्सरी, और उस साइड भी है रोड के इस साइड और उस साइड, तो फूल अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे गमले भी हैं फूल के लगाने के लिए, छोटे बड़े हर साइज के हैं फूल लगाने के लिए जो गमले हैं। तो हमारी गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी में भी बहुत अच्छे फूल खिले हैं। तो फूल लगाने की तो मेरे को भी बहुत शौक है, पर जगह ही नहीं है मेरी, बिल्कुल भी जगह नहीं है, ले जाके खाली क्या फायदा। तो ये हमारे वहाँ बड़े हो जाते हैं, इतने ही छोटे नहीं रहते हैं, बहुत बड़े हो जा रहे हैं ये वाले पेड़ मेरे पास। तो एक दो गेंदे के फूल जो अच्छे लगे थे, इस साइड भी हैं छोटे वाले गेंदे, ये सबसे छोटे हुए हैं, मैंने ले लिए हैं फूल ये। तो चलो अब चलते हैं गाड़ी के पास, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 12:30 हो गया है यहीं हम लोगों को। तो चलो ये ना फिर ये वाला अच्छा लग रहा है, अंदर रखने के लिए ठीक है ना ये वाला,
ये अच्छे लग रहे हैं। अच्छा अच्छा अगले बार में देखेंगे। ना ना हो गया, चुके हैं यहाँ मॉल पे, तो हमने ले जाना है तेल, तो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है ऑयल वॉयल, एक बार देखते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं कैंची धाम, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है कैंची धाम पे, बहुत श्रद्धालु आए हुए हैं, तो अभी दिखाती हूँ आगे से। तो ये है कैंची धाम की पार्किंग एरिया, तो देख ही सकते हो आप लोग इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, तो जगह नहीं है गाड़ी लगाने के लिए, ये देखो तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लोग आ रखे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हो उसके चारों तरफ चीड़ के पेड़ हैं, ये बीच में बसा हुआ है ये मंदिर, ज़्यादा भीड़ है मतलब जाम लगा हुआ है कैंची धाम पे, क्योंकि हर संडे सैटरडे जाम ही होता है यहाँ, क्योंकि सभी लोग छुट्टियाँ हो रखी हैं आजकल, वैसे भी जाम ही है। तो ये देखो ये है मंदिर, बीच में पूरे चारों तरफ के पेड़ ही पेड़ हैं, और पास में नदी भी है यहाँ पे। तो देखो नीम करौली बाबा की बहुत महिमा है, आजकल भी घुटे आए हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों इतना सुंदर मंदिर है, बीच में है ये मंदिर, तो बहुत अच्छा दिखता है ऊपर से, और ज़्यादा अच्छा दिखता है ये नीम करौली बाबा, क्योंकि उनके पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर फोटो ये। तो ये है मंदिर, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा मतलब हर नीम करौली बाबा की गेट पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़, जगह नहीं है बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा भीड़ है मंदिर से यहाँ तक, इतनी भीड़ हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ होटलों में भी और सभी जगह इतनी भीड़ हो रखी है, मतलब जगह नहीं है कहीं पर भी। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, ये देखो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं छड़ा यहाँ पे, तो खाना खाते हैं, खाना नहीं खा रखा है, दो ढाई हो चुका है, तो अब तो कान भी बंद हो चुके हैं इतने दिन से, कान सुन जैसे हो गए हैं। नदी भी है नीचे, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, तो खा लेते हैं खाना। क्या लॉक कर दे, यहाँ अच्छा है, अच्छा तुम्हें धूप भी खाते हैं, यहाँ पे धूप भी आई हुई है, बहुत बड़ी नदी है यहाँ पे। यहीं पे नदी भी है बहुत बड़ी, तो इस नदी में पानी भी बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम में भी, यहीं पे मकान है और यहीं पे नदी है। तो खाते हैं अब खाना, तो खाना पीना खा लिया हम लोगों ने, तो इसके बुबू भी खा रहे हैं, हम लोगों ने खा लिया, तो अब चलते हैं, चलो गाड़ी में बैठते हैं, चलो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं धौलचूना के मार्केट में, तो यहाँ पे भी छोटी सी एक मार्केट है, तो यहाँ पे होटल है, क्योंकि गाड़ी वाले यहीं पे रुकते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग, तो अभी बन रही है हमारी चाय, तो 5 बज चुके हैं, तो चाय पीते हैं अब, फिर चलते हैं आगे को। तो ये लोग सभी लोग चले गए हैं होटल में, इस साइड गए हुए हैं, इसकी अम्मा और मैं ही हैं गाड़ी में बैठे हुए, तो अब धूप भी सब चली गई है, तो आजकल तो 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, देखते हैं कि। तो ये है धौलचूना की मार्केट, थोड़ी बहुत दुकान भी बंद हो गई है, ये आगे से। अब एक बार पी लेते हैं चाय बन रही है, फिर चलते हैं अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। तो दोस्तों हम लोग कल रात पहुंचे थे, 8 बज चुका था हम लोगों को घर पहुंचते, तो उसके बाद फिर हम लोग ने खाना पीना खाया, तो 9:30 हो गया था, मुझे ब्लॉग भी स्टार्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि अंधेरा भी होता है, ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बन पाता है। तो अभी
8 बज चुके हैं, तो मैंने कपड़े डाल दिए हैं धोने के लिए। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं हमारे, क्योंकि इतने दिन का टूर था तो कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए। तो एक बार तो धो चुके हैं, दूसरी बार डाल रखे हैं मशीन में, अभी बहुत ज़्यादा हैं। अभी ये है कपड़े, इन में से निकालने हैं। तो कमरा भी कुल ऐसी हो रखा है, कमरा भी ठीक करती हूँ, क्योंकि हम लोग घर ही आ चुके थे, मेरी नानी गई तो कल जाएंगे अब मेरी नान। तो आज मैं कपड़े अपड़े सब धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं इसके, अम्मा बब्बू और बच्चों के हमारे। तो एक कपड़े भी धोती हूँ, तो ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।